नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, आईपीएल 2020 का पहला डबल हेडर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इसके बाद दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2020 का 15वां मैच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में अपने शानदार प्रदर्शन के चलते आरसीबी की टीम ने 8 विकेट के अंतर से जीत लिया। और फिर आईपीएल 2020 के 16वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज की। इसी मैच के साथ ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और पॉइंट्स टेबल की सूची में जबरदस्त उलटफेर हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पॉइंट्स टेबल, 4 मैच में 3 मैच जीतकर 6 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले स्थान पर है। वहीं आरसीबी की टीम दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने 4 मैच में 3 मैच में जीत दर्ज की है। 3 नंबर पे मुंबई इंडियंस है, जिन्होंने 4 मैच खेलकर 2 मैच में जीत दर्ज की है। वहीं 4 नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। फिर केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब और सीएसके की टीम है। ऑरेंज कैप लिस्ट, नंबर 1 पे मयंक अग्रवाल है, जिन्होंने 4 मैच में 246 रन बनाए हैं। नंबर 2 पे केएल राहुल है, जिन्होंने 4 मैच खेलकर 239 रन बनाए हैं। नंबर 3 पे फाफ डुप्लेसिस है, जिन्होंने 4 मैच में 195 रन बनाए हैं। नंबर 4 पे देवदत्त पडिक्कल है, जिन्होंने 4 मैच में 174 रन बनाए हैं। फिर संजू सैमसन है, रोहित शर्मा, सुरेश अय्यर, शुभमन गिल, एबी डिविलियर्स और किरण पोलार्ड आते हैं। पर्पल कैप की सूची, नंबर 1 पे यजवेंद्र चहल है, जिन्होंने 4 मैच खेलकर 8 विकेट चटकाए हैं। नंबर 2 पे मोहम्मद शमी है, जिन्होंने 4 मैच खेलकर 8 विकेट लिए हैं। और फिर नंबर 3 पे आते हैं कगिसो रबाडा, जिन्होंने भी 4 मैच में 8 विकेट लिए हैं। फिर आते हैं राहुल चहर, शेल्डन कॉटरेल, ट्रेंट बोल्ट, एंड्रिस नॉर्जे, जेम्स पैटिनसन, दीपक चहर और 10 नंबर पे आते हैं सैम करन। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।